हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम ICTSM ट्रेड से हम CITS कहां से कर सकते हैं और इसकी जो ब्रांच है CITS के अंदर वो कौन सी है, कौन सी ट्रेड इसके अंदर CITS के लिए अवेलेबल है जिसके अंदर अपन CITS कर सकते हैं। तो चलिए, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको ये जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है इसके ऊपर ले चलता हूँ। और यहाँ पे आप CITS एडमिशन 2022 प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोस्पेक्टस खुल के आ जाएगा और इस पे मैं आपको वो सारी जानकारी शो करने वाला हूँ जो कि आप ICTSM ट्रेड CTI करने के लिए जरूरी होती हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप CITS जो करेंगे ICTSM ट्रेड से उसके लिए कौन सी एलिजिबल ट्रेड अवेलेबल हैं और साथ ही में कौन से इंस्टीट्यूट में जाके आप CITS कर सकते हैं ICTSM ट्रेड से। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अपन इसकी जो ट्रेड है वो ट्रेड जानेंगे कि कौन सी ट्रेड के अंदर अपना ICTSM वाले CITS कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उस ट्रेड के यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अपन को कौन सी ट्रेड के अंदर CITS करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको एकदम क्लियर मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। इसमें देखिए, ये आ चुका है लिस्ट ऑफ CTS और CITS। CTS ट्रेड्स यानी कि जो अपनी ITI ट्रेड होती है उसको बोलते हैं CTS ट्रेड, और जो CITS ट्रेड के इक्विवेलेंट यानी कि कौन कौन CITS इन ट्रेड के अंदर कर सकता है तो वो सारी इन्होंने एक परफॉर्मा तैयार कर रखा है जिसके अंदर इन्होंने एक एक ट्रेड के अंदर कौन कौन सी रिलेटेड ट्रेड अवेलेबल होती हैं वो और उसके अंदर CITS कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही हाईलाइट कर चुका हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है ये देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस के अंदर आपकी ट्रेड उपलब्ध है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। ये आपका पूरा परफेक्ट आपकी ट्रेड का जो फुल फॉर्म है ICTSM का वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यानी कि ये जो ट्रेड है ये दोनों ट्रेड वो इस ट्रेड के अंदर CITS कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया क्लियर कि आपको जो CITS करनी है वो कौन सी CITS होगी, कौन सी ट्रेड के अंदर CITS होगी, वो होगी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के अंदर। तो अब चलते हैं, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपके पास कौन कौन सी इंस्टीट्यूट अवेलेबल है इसकी जानकारी भी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मैं उसके लिए भी आपको ले चलता हूँ नीचे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। मैं फिर से बताऊं, ये आप पूरे YouTube के अंदर आप कहीं भी देख लो, कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पूछ लो, आपको इस तरह की जानकारी कोई भी प्रोवाइड नहीं करने वाला है और आप इधर उधर ही घूमते रहोगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इसमें जो अब अपन चलते हैं कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी ये जो CITS ICTSM के लिए अवेलेबल है वो कहाँ 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 पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट खुल चुकी है और कितनी सीटें इसके अंदर अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा पूरा क्लियर। ये देखिए, यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो NSTI है, कौन सी NSTI के अंदर अपना जो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस यानी कि CHNM के अंदर अपना क्या होगा CITS होगा और ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये है एक आपके पास NSTI देहरादून के यहाँ पे और दूसरी है आपके पास यहाँ पे NSTI हैदराबाद के यहाँ पे। और यहाँ पे जो टोटल सीट की बात करें तो ये एक एक इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पे तो इन्होंने जो है 50-50 यहाँ पे दे रखा है और टोटल सीट यहाँ पे 100 है। तो ये तो दो इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको मिल गए हैं। और भी एक इंस्टीट्यूट अवेलेबल है जो कि राजस्थान के अंदर है, ITOT इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी CITS होती है CHNM ट्रेड से। तो चलिए, वहां पे भी मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये राजस्थान स्टेट का है और यहाँ पे जो ITOT है यहाँ पे इन्होंने एक ट्रेड दे अपनी जो ट्रेड है कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस ये यहाँ पे अवेलेबल है गवर्नमेंट ITOT जयपुर के अंदर। और यहाँ पे जो टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे 25 सीट्स हैं। तो यानी कि टोटल मिला के अपन ने बात की है कि अपनी जो ट्रेड ICTSM ट्रेड है वो जो CTI करने वाले हैं वो कौन सी ट्रेड में करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस के अंदर यानी CHNM के अंदर। और इसके जो एक तो हैदराबाद के अंदर इसका इंस्टीट्यूट है, एक देहरादून के अंदर इसका इंस्टीट्यूट है, एक राजस्थान के अंदर जयपुर जो सिटी है यहाँ पे भी इसका एक इंस्टीट्यूट है और टोटल मिला के यहाँ पे
125 यहाँ पे सीट्स हैं। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही में जो भी सीटीआई करने वाले हैं इस स्टेट से या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं इस स्टेट के अंदर और जिनको ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो आप अवश्य शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।